चलो प्यारे बच्चों, देखो इस वाले एप्लीकेशन में हम लोग आई होप कि से पिछले वाले सारे एप्लीकेशन देखे होंगे गॉस थ्योरम पे। प्रॉपर तरीके से बच्चों नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट क्या होता है? जैसे अगर एक प्लेट है, ये मेटालिक प्लेट है, ठीक है, मेटालिक प्लेट है, अंदर से ये है मतलब देखो मेटल है, तो अगर होलो हो, खाली हो, सॉलिड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो जब इस पे पहले से कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको प्लस क्यू चार्ज दोगे, तो वो जो प्लस क्यू होता है, ये दो पार्ट में इधर और इधर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये जो पार्ट इधर आ जाएगा क्यू बाई, इधर आ जाएगा क्यू बाई टू, और इधर आ जाएगा क्यू बाई टू। ऐसे चीज़ को हम प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेट मतलब जिसके पास कुछ थिकनेस हो, और ये अगर ये मेटालिक है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जीरो है, और अंदर में चार्ज जीरो है, और इसके पास थिकनेस कुछ टी है। तो चलो, तो ये मान लेते हैं यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये जो यहाँ पर मैं प्लेट लिया हूँ, इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके पास जो है प्लस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो है इसकी थिकनेस कुछ ये टी है, और टी थिकनेस है। अंदर में, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? जीरो है। लेकिन इसके लो इधर वाले जो इनर, जो इसे टॉप सरफेस है, जो बॉटम सरफेस है, उस पर भी इतना ही चार्ज होगा, प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा इस प्लेट पे, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे निकल रही होंगी, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे इसी प्लेट, ये प्लेट जो है टू इक्विवेलेंट इनफाइनाइट सीट के बराबर होता है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। ये डेरिवेशन, तो सबसे पहले देखो, मैं एक, मुझे यहाँ आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर अगर फील्ड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो प्लेट से कुछ आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ से मैं एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है ना, जिससे वो पॉइंट पी उसी पर आ जाए, ऐसा कुछ अंदर और यहाँ ए से बाहर, ऐसे कुछ एक गॉसियन सरफेस बना लिया जो कि सिमेट्रिकली सिलेंडर है, और ये, और इसका 3D व्यू यहाँ आपको दिख रहा है। तो चलो सबसे पहले अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज इस पे है, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके पास पहले से चार्ज डेंसिटी कुछ सिग्मा है, ठीक है। तो अगर इस गॉसियन सरफेस, ये जो बनाया हूँ मैं, वो एक गॉसियन सरफेस है, और इस गॉसियन सरफेस पे, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, यहाँ पे हमेशा क्लोज्ड ही होता है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है बच्चों। तो इस क्लोज गॉसियन सरफेस के पास सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे तीन सरफेस है, ये एक सरफेस, ये वाला सर्कुलर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस तरह से ढक देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, जिससे आपको मतलब कोई गलती का इसमें चांस ना हो हम लोगों। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर तो इधर आएगा, इस गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आए, तो इस सरफेस से जो थीटा एंगल दोनों बना, दोनों के बीच वो जीरो हो गया। तो चलो मान लेते हैं इस सरफेस का फ्लक्स फाई वन है। चलो इसी तरह से ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बाहर जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला एरिया वेक्टर बाहर जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जाएगा, तो यहाँ ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, थीटा जीरो हो गया, ठीक है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब लेकिन ये जो कर्व सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस दैट इज कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इस पे एरिया वेक्टर तो ऊपर जाएगा, देखो एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, एरिया वेक्टर ऑफ सिलेंडर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे ऐसे निकल रहा ना भाई, तो ये ऐसे निकल रहा, तो थीटा कितना बना बोलो, तो थीटा बना 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे है, ठीक है, तो ये वाली थीटा कितना है 90। तो इसको मैं फ्लक्स थ्री बोल देता हूँ, और इसको, इस वाले को मैं फ्लक्स टू बोल देता हूँ, सरफेस दोनों का अलग अलग फ्लक्स है। तो अब मैं गॉस थ्योरम यहाँ पे लगाता हूँ, तो नेट बाय गॉस लॉ अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, गॉस लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज फ्लक्स फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, और ये आ जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स फाई को अगर मैं लिखूं, तो ई ई डॉट ए कॉस जीरो प्लस दूसरे वाले के लिए ई डॉट ए कॉस जीरो प्लस तीसरे वाले के लिए ई ए कॉस 90, और ये चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज आया ये भी नहीं पता है।
तो यह आ जाएगा ई ए प्लस ई ए यहाँ पर, और यह आ जाएगा जीरो, दैट इज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से 2 टाइम्स ई ए की वैल्यू आ जाएगा अंदर में जो चार्ज आया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो मिलेगा चार्ज इनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर आएगा। अब सबसे पहले मेरा टारगेट है इसके अंदर एग्जिस्टिंग चार्ज निकालना। तो अगर मैं इसके अंदर चार्ज का कैलकुलेशन करूं, तो देखो ये जो सरफेस है सिलेंडर का, यहाँ से एक्चुअली मैं कलर बदल लेता हूँ, ये जो सरफेस है सिलेंडर का ये वाला, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला जो सरफेस है अंदर, इधर इसमें चार्ज कितना आया सिग्मा। इसी के जैसे इधर भी तो है अंदर, तो उसमें भी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ रहा है। जैसे ये सरफेस बाहर है, इसी के जैसे नीचे भी तो है यहाँ अंदर, तो उसमें भी चार्ज सिग्मा आया होगा। देख रहे हो दो दो सरफेस है, तो ये अगर दो दो सरफेस है यहाँ पे, तो इन दोनों सरफेस में सिग्मा सिग्मा चार्ज आया होगा। तो अगर मैं चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, समझ रहे हो, चार्ज अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा और मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया है। लेकिन ऐसे दो सरफेस हैं, एक अंदर एक साम एक इधर है और एक इसी के जैसे अंदर है, और इक्वल टू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया ए। तो एरिया ने एरिया को, टू ने टू को, तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है और एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। और सीट का जो है वो सीट, जैसे सीट था तो सीट का इसका क्या आता था, आधा आता था, समझ रहे ना। तो ये वाली चीज़, तो ये दो इक्विवेलेंट सीट की तरह भी है, क्योंकि एक सीट का फील्ड कितना था, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो सीट का फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो सीट के बराबर ये बिहेव कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी प्लेट का फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छे से नोट्स बना लेना, और मैं अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करने जा रहा हूँ ग्राफ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करूँ इसका ग्राफ, तो इस प्लेट से, जो ये प्लेट है, इस प्लेट से मैं एक बार इधर जाऊँगा, तो ये प्लेट को, ये टॉप व्यू यहाँ ऐसे दिखाया हूँ इसका, ये वाला सरफेस व्यू ऐसे दिखाया हूँ। तो ये वाली एक्सिस है यहाँ पर, तो अंदर में तो चार्ज जीरो है, तो अंदर में तो फील्ड जीरो आएगी। तो इसके पास कुछ थिकनेस टी है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो ग्राफ यहाँ ऐसे जीरो जीरो से स्टार्ट होगा, अचानक से बाहर में यहाँ पर जब आप इधर जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट लेके बढ़ता रहेगा। और इस साइड ई पॉजिटिव है और यहाँ पर आर भी पॉजिटिव है ना, राइट साइड जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड जाऊँगा तो ई निगेटिव आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पोजिशन वेक्टर आर भी निगेटिव आएगा। तो ग्राफ इस कोऑर्डिनेट में आएगा, और यहाँ एक्सिस पर जीरो जीरो, अचानक से जीरो से फिर अचानक से मैक्सिमम हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस है ये वाली चीज़। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। दिस इज द 9th एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो दो चार एप्लीकेशन और मैं डिस्कस किया हूँ गॉस थ्योरम का, वो सारे लेक्चर देख लोगे, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट इन यूट्यूब। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहो, और दोस्तों को ज़रूर बताओ यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।